क्या करते हैं? मैं यहाँ पर योगा और एरोबिक टीचर हूँ। अच्छा, तो आप आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल डायबिटीज़ हर जगह पे है, मतलब बच्चे हो या बड़े हो, ऐसे क्यों? बिकॉज इसलिए यहाँ पर, क्योंकि जो पहले क्या होता था, पहले के लोग एक्टिविटी बहुत करते थे, ठीक है ना, और आज की डेट में कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे कि बच्चे हैं, पहले हम लोग जो बच्चे होते थे पहले बाहर खेलते थे, एक्टिविटी रखते थे, अब वो एक्टिविटी सब बंद हो गया। अब बच्चे क्या मोबाइल कंप्यूटर्स इसमें लगे रहते, तो इसके कारण ये डायबिटीज़ का होता है। पहले क्या होता था, पहले तो बड़ों को, अभी भी बड़ों को होती थी डायबिटीज़, अब क्या अब छोटों को भी होने लग गई है। रीज़न इसका यही होता है कि एक्टिविटी नहीं रही है कोई। पहले की जो अब लेडीज़ों को भी बहुत होती है डायबिटीज़, पहले की लेडीज़ भी बहुत वर्क करती थी, आज की डेट में वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब टेक्नोलॉजियाँ भी बढ़ गई है, तो घर बैठे ही सारे काम हो जाते हैं, मार्केट को ही जाता नहीं, अब घर बैठे ही मोबाइल से सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यही कारण होता है कि डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है और बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। ओबेसिटी भी देख रहे हो आज की डेट में आप, बहुत ज़्यादा होती जा रही है, यही रीज़न है इसका। तो सर इसका क्या सोल्यूशन है? क्या हम खाली मेडिसिन लेके ही सोल्यूशन है? नहीं, और कोई और सोल्यूशन नहीं है इसके लिए? नहीं, मेडिसिन कोई ऐसा नहीं कि मेडिसिन सोल्यूशन है, इसका भी एक सोल्यूशन होता है, वो होता है योगा के आसन होते हैं, वर्कआउट्स होते हैं, जो आप उनको करो तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। अच्छा। और हो सकता है कि हमारा एक हम अच्छा वर्कआउट करें वो करो तो डायबिटीज़ भी खत्म हो सकती है। अच्छा, इसको रिवर्स करने का भी तरीका? बिल्कुल बिल्कुल, चांसेस होते हैं, जो कि हमारे कुछ योगा के आसन होते हैं, अगर हम उसको प्रैक्टिस करते रहें घर पे तो वो कंट्रोल हो जाती हैं। सर कैसे आसन हैं सर, कौन से योगा के एक आसन होते हैं जिसे पारिवृत्ता त्रिकोण आसन बोलते हैं, जो कि हमारे बहुत हेल्पफुल होता है डायबिटीज़ के लिए। एक मरीची आसना होता है जो सन्नप वर्मा पोस्चर, ट्विस्टिंग पोस्चर बोलते हैं हम इसको, वो पार्ट सी होता है, मरीची आसना पार्ट सी, जो कि बेस्ट रहता है स्पेशल फॉर द डायबिटीज़ पर्सन के लिए। यस, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए योगा का एक बेस्ट आसन है, जो कि मरीची आसना है, जो कि जिसको हम ट्विस्टिंग पोस्चर बोलते हैं। उसका जो कराने का वे है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, लेग स्ट्रेट लेग पोजीशन में हम लोग बैठते हैं, बैक को स्ट्रेट रखते हैं, फीट को टुगेदर करते हैं, जो हमारी स्पाइन होती है इसको स्ट्रेट रखना होता है, शोल्डर को ओपन रखना होता है, चिन को भी स्ट्रेट रखना होता है, बॉडी को कभी भी हम लूज नहीं रखते हैं। जब योगा के हम आसन करते हैं तो उसके मसल्स को हम लूज नहीं करते, मसल्स को एक्टिव बनाए रखते हैं। अगर हम मसल्स को लूज रखते हैं तो हमारे जो हमारे अंदर एक लेजी बना रहता है, हमारी मसल्स एक्टिव नहीं रहती हैं, तो इसलिए हमें मसल्स को स्ट्रेच करके रखना होता है, कभी बॉडी को लूज नहीं रखना होता। हम स्टार्ट करते हैं मरीची आसना, इसके अंदर राइट हैंड को पीछे करते हैं बिहाइंड द बैक, हैंड्स को बैक को स्ट्रेट रखते हैं, लेफ्ट नी को हम फोल्ड करते हैं, राइट नी को और लेफ्ट नी के लेवल पे रखते हैं, नी को ऐसे बैक करके बैक को स्ट्रेट रखना होता है, चेस्ट को ओपन करना होता है, राइट हैंड को पीछे रखते हैं, लेफ्ट हैंड से हम राइट शिन को लेफ्ट शिन को उसको होल्ड करते हैं और पीछे बेस पॉइंट होता है, हमें पीछे देखना होता है ओवर द राइट शोल्डर। हम जितना ट्विस्ट करते हैं उतनी ही हमारे जो प्रक्रियाज होती है, यहाँ से मसल हमारे होते हैं स्टमक मसल, वो पूरी स्ट्रेच होती है, जिससे हमें डायबिटीज हमारी कंट्रोल होती है। इफ कभी अगर कोई ऐसे इसको स्ट्रेच नहीं कर सकता है, हैंड से इसको होल्ड नहीं कर सकता शिन बोन को, तो सिंपली एल्बोस को बैंक कर सकता है, तो इस पोजीशन में, बट इसके अंदर बैक को स्ट्रेट रखना होता है, ये नहीं कि कभी कोई बैक को ऐसे रिलैक्स कर देता है, दिस इज अ रॉन्ग पोस्चर। इसके अंदर आपको हैंड्स को ऐसे बैंक करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, हैंड्स को क्लोज रखना है और पीछे ट्विस्ट करना है, जितना ट्विस्ट करोगे आप उतनी ही हमारी मसल स्ट्रेच होगी, यहाँ से प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण फिर हमें डायबिटीज हमारी कंट्रोल में आएगी और पीछे इसको ट्विस्ट करना, और ऐसे 5 काउंट तक या 10 काउंट तक हम इसको होल्ड रखेंगे। आफ्टर 5 काउंट या 10 काउंट के बाद में हम लेग को चेंज करते हैं, पूरा पता ना, फिर लेग को चेंज करेंगे, सेम वही राइट लेग को स्ट्रेट रखना है, लेफ्ट नीज को हम बैंक करेंगे, लेफ्ट हैंड को हमको पीछे रखना है बिहाइंड द बैक, देन राइट हैंड से लेग शिन बोन्स को होल्ड करेंगे सेम, और पीछे ट्विस्ट करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर को ऊपर रखें, पीछे ट्विस्ट करेंगे, ये भी 5 to 10 काउंट तक हम होल्ड करेंगे, 5 काउंट के बाद ही 10 काउंट के बाद हम आसन को रिलीज करेंगे। सेकंड पॉइंट, कभी भी जब हम आसन करते हैं, कभी भी जैसे हम आसन से जाते हैं वैसे ही हमें आसन से वापस आना होता है, ये नहीं होता जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, राइट लेग्स को कर रहे हैं हम, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, हम लोग क्या है स्टेप टू स्टेप चलते हैं, राइट हैंड को पीछे रखा है, फिर देन हम लेफ्ट हैंड से राइट शिन बोन को होल्ड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्या होता है, लोग क्या करते हैं पर्सन उसको एकदम छोड़ देते हैं, 5 काउंट करा 1 2 3 4 5, फिर वो एकदम से ऐसे छोड़ देते हैं,
जो कि रॉन्ग होता है। इसमें ही सेम ऐसे करेंगे, ब्रीथ करा हमने, इनहेल एक्सेल इनहेल और एक्सेल, जैसे हम इनहेल एक्सेल करते जाते हैं इसको ट्विस्ट करते जाते हैं, फिर वही सेम हम इनहेल करेंगे सांस को लेते हुए और एक्सेल के साथ छोड़ देंगे इजी आराम से, ऐसे में सडनली नहीं छोड़ना होता। कोई भी आसन करते हैं, मरीची आसन करते हैं, अदर आसन करते हैं, जैसे हम आसन में जाना है वैसे ही आसन से वापस आना होता है। ये हमारे डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट आसन है मरीची आसन, जिसे हम ट्विस्टिंग पोस्चर भी